हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडे ब्लॉग। आज संडे और आलसियों का दिन, तो हम लोग हैं सबसे बड़े आलसी और मैं आया था छत पे था मेरा दोस्त से मिलने के बाद फिर देखा अहम उड़ा रहा था पतंग और वो भी काफ़ी अच्छी उड़ा रहा था। तो भाई मैंने सोचा मैं भी उड़ा लूँ, फिर मैं उसके पास गया, भाई मेरे को भी पतंग दे, ये और भाई इतनी कसकस के खींच मारी ना, दिखा आसमान में, भाई देख कितनी ऊपर है भाई की पतंग। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई तू इधर से वीडियो बना ले, भाई फिर अपन के जोश आ गया। फिर उसके बाद मैंने कस के खींच मारी, इतनी कस के खींच मारी, भाई उड़ाना नहीं आता था बट पतंग थी हवा में तो इस वजह से उड़ा लिया। उसके बाद पावर हाउस दिख रहा था, भाई पावर हाउस को मैंने जूम करा, भाई कितना मस्त लग रहा था ना। फिर उसके बाद मैंने बालों में हाथ फेरा, फिर मैंने अपने दोस्त से बोला चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो भाई मैंने बोला कि चलो अंटिया पे चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा दोस्त ने दिमाग लगाया और वो स्पाइडरमैन की तरह ये जल्दी पता नहीं क्या खा के आया था, भाई बहुत जल्दी चढ़ गया यार ये तो। फिर उसके बाद अहम को भी जोश आ गया और फिर उसके बाद अहम भी अपना चिपक गया दीवार पर स्पाइडरमैन की तरह, वो भी फटाफट से एकदम चढ़ गया ऊपर। और भाई तुम्हारे भाई को डर लग रहा था कि भाई कैसे चढ़ें, ये दोनों चढ़ गए, कूदने लगे ऊपर ही जाके, भाई इंजॉय करने लगे। फिर उसके बाद भाई तुम्हारा भाई भी है नहीं किसी से कम, तुम्हारा भाई भी क्रिस की तरीके ऊपर पकड़ के चढ़ गया, भाई एकदम ताकत लगा के ये चढ़ गया ऊपर। इतनी मज़ा आ रही थी भाई ऊपर चढ़ने के बाद। फिर उसके बाद थोड़ा एक्शन दिखाने के बाद उसके बाद मस्त हवा चल रही थी भाई ऊपर, हवा खा रहा था आराम से, इतनी मस्त हवा चल रही थी भाई एकदम ठंडी। और भाई पावर हाउस एकदम मस्त दिख रहा था यहाँ से, करा जूम। फिर उसके बाद भाई थोड़ा वीडियो बनाना था, मेरे अपने दोस्त से बोला कि भाई वीडियो बना दे यार, थोड़ा एक्शन दिया यूँ। फिर थोड़ा उसके बाद घूमा, फिर उसके बाद आ गई थी धूप, तो भाई को जाना था नीचे, भाई ने रखा फ़ोन और छट से नीचे कूद गया। भाई मैंने बोला अरे भाई मेरे को तो उतार यार, फिर मैंने उसका फ़ोन दिया, मैं भी बैठा, फिर उसके बाद मैं भी कूद गया, ये नीचे आके दिखाया ही। फिर उसके बाद अपना कैमरा पकड़ा, फिर उसके बाद मेरा दोस्त मारने लगा डिप्स, फिर उसको देख के मैं भी मारने लगा। भाई साहब इतना थक रहा था यार, मैं तो थक गया यार बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद वो थक ही नहीं रहा था भाई, मैंने बोला बस कर यार कितनी मारेगा यार। फिर उठ गया यार, मैं हार गया था, बहुत बुरा हारा भाई, बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन वो साला मारे पड़ा साला। उसके बाद डिप्स मारने के बाद आ रहा था पसीना, इधर उधर देखा भाई धूप आ गई थी, फिर दो दोस्त और आ गए भाई। उसके बाद आराम कर रहे थे हम लोग बैठ के, दो दोस्त और आ गए, फिर एक नीला वाला ये दोस्त और आ गया भाई। फिर मैं आया घर, फिर घर आने के बाद भाई थक गया था, फिर उसके बाद लेट गया मैं बेड पर, लेटने के बाद सो गया, थक चुका था तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। फिर उसके बाद भाई सोने के बाद मैं उठा शाम को नहाया धोया, फिर उसके बाद लग रही थी भूख, तो मेरे पास रखी थी एक डालमोट का पैकेट, फिर उसको फाड़ा, फाड़ने के बाद भाई कंट्रोल नहीं हो रहा था, बस तुरंत खाया। फिर उसके बाद एक डालमोट से पेट तो भरने वाला था नहीं, बट भाई कुछ तो राहत मिली। फिर उसके बाद मैंने दीदी से बोला भाई खाने के लिए है कि नहीं, तो दीदी ने बनाया था तहरी। फिर उसके बाद भाई मस्त लग रही थी देखने में, थोड़ा कैमरे की वजह से कलर डाउन हो गया बट अच्छी लग रही थी भाई देखने में। फिर उसके बाद भाई जैसे ही मैंने पहली बाइट खाई ना, एकदम मस्त औसम भाई क्या बनाया था देख लो भाई, इतनी मस्त लग रही थी ना देखने में, प्याज भी था। खाने के बाद मैं आया छत पे, फिर छत पे थोड़ा दिखाया भाई बालों में हाथ फिर, आप बाल नहीं होने चाहिए थे ख़राब। फिर उसके बाद देखा ये लोग पतंग उड़ा रहे थे, काफ़ी शाम हो गई थी और सनसेट भी होने ही वाला था। थोड़ा जूम करा, आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद रात हो गई, बाय बाय टाटा सी यू, राम राम बाय।